काश हम भी ऐसे कुछ किया होता तो हम भी कुछ और कर रहे होते जिंदगी में. ऑल राइट दो बट एंड ऑल द पीपल जितने भी लोग हैं वो लोग भी रेडी होके मस्त आ गए बिल्कुल फॉर दिस चैंपियनशिप विद ऑल द एनर्जी. सो दिस इनिशिएटिव ऑफ पार्टिसिपेटिंग मैटर्स अ लॉट. विनिंग लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट पार्टिसिपेटिंग इज द बेस्ट पार्ट. आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करो उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो द नेम्स ऑफ द विनर्स फॉर द कैटेगरी 13.5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर. सो सून आई विल बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द विनर्स एज वी हैव 3 विनर्स फॉर ऑल द कैटेगरीज. देयर वाज नो एज लिमिट फॉर द कैटेगरी 54 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर की कोई भी एज लिमिट थी बट 13.5 एंड 5 में कोई एज लिमिट नहीं थी. वी विल बी हैविंग टॉप 3 मेल एंड फीमेल विनर्स. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अदर चैंपियंस टू कम एंड देन विल बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द विनर्स एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस. लेट्स सी द बेस्ट पार्ट दैट यू गाइज पार्टिसिपेटेड. इससे अच्छा पार्ट कुछ नहीं हो सकता है. एंड विथ फुल एनर्जी जब फ्लैग ऑफ हो रहा था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर छोटा सा एक्सपीरियंस. जब फ्लैग ऑफ हो रहा था तो द वे यू गाइज स्टार्टेड लाइक 13.5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर ऑल द किड्स द वे द एनर्जी जिस एनर्जी में आपने स्टार्ट किया है उसी एनर्जी में आपने खत्म किया है. आई हैव सीन किड्स कमिंग बैक फर्स्ट एंड देन इट वॉज जस्ट ऑल सुपर एनर्जेटिक दिस मॉर्निंग. सो आई एम जस्ट गेटिंग द नेम. मैं भी वेट कर रही हूँ नाम जानने का कि हु ऑल आर द विनर्स एंड सून आई विल बी अनाउंसिंग द नेम ऑफ द विनर्स. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल दोज हु आर लिसनिंग टू मी टू प्लीज गैदर नियर बाई द स्टेज एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेम्स. टिल देन कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज. काफी सारे लोग दिख रहे हैं आ गए ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आ गए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आगे आ जाओ. लेट्स टॉक सभी लोग आगे आ जाओ. आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दिस वन टू वन कन्वर्सेशन एंड वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस लाइक हाउ यू गाइज आर फीलिंग. सो सभी लोग आगे आ जाओ एवरीवन. एंड कर दो चल ऑल राइट ठीक है.
तो इससे पहले कि विनर का नाम जब तक लिस्टिंग हो रही है एवरीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क द एक्सपीरियंस, हु वांट टू शेयर, यू वांट टू कम, आ जाओ, कम 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 ऑन स्टेज, आ जाओ यू थ्री. सो तो अभी मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछूंगी, कैसा लगा सुबह, बिल्कुल इतनी ठंड में सुबह सुबह रेडी होके आए हो आप लोग, कैसा फील हुआ बताओ? बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली आई एम अ राइडर एंड आई लाइक टू राइड एंड इट वाज लाइक नेक्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन. कोहरा बहुत था उस टाइम, उसमें चलाने में मतलब बहुत डर लग रहा था, बट तब भी चला लिया पूरा. और कुछ नया एक्सपीरियंस इस चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन? नया कुछ नहीं था, बट यू डिड सो वेल. ऐसा नहीं लगता सुबह क्या उठना यार, बहुत ठंड है. नहीं अब आदत हो गई है, पापा ऐसा डेली जाते हैं जैसे संडे को होता है, तो इसीलिए आदत पड़ गई इस बार की. ऑल राइट, वेरी नाइस. सो इट्स बिकॉज ऑफ मतलब योर फादर इज योर की टू सक्सेस, राइट? ओके, ऑल राइट. हाँ जी, हाय, व्हाट्स योर नेम, कम यार थोड़ा सामने आ जाओ, व्हाट्स योर नेम? अक्ष गोयल. हाय, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. कुछ बताओ, साइकिलिंग कर रहे थे बिल्कुल एकदम मेहनत से पूरी एनर्जी के साथ मॉर्निंग में, कैसा फील हो रहा था? कोहरा था बस, चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर बट यू डिड इट राइट. एक जोरदार तालियां हो गई, वाओ. ऑल राइट, यस प्लीज कम, व्हाट्स योर नेम? अव्या. टेल मी इज योर अबाउट एक्सपीरियंस अबाउट दिस इवेंट. ठंडी लगी थी सुबह, ठंडी लग रही थी फिर भी आ गए सुबह 5 बजे. रात को नींद ही नहीं आई थी. क्या सोच के सोए थे? मतलब रात में ऐसा कुछ सोचा होगा कि अरे यार सुबह जाना है, ये सोचा था कि सुबह जीतना है ये सोचा था, या पार्टिसिपेट करना है ये सोचा? पार्टिसिपेट करना था. पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी चीज होती है, राइट? जीतना आना तो जिंदगी में लगे रहता. इधर आगे आ जाओ थोड़ा. सो कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना अबाउट दिस. यू आर डूइंग साइकिलिंग, आधे लोग तो सो रहे हैं घर पे, कुछ लोग दिखे होंगे रोड पे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? सुबह रोड खाली थी, सब लोग अभी घर पे सो रहे होंगे, और रात को मैंने जब मैं सो रहा था तो मुझे रात को शायद 12:30 तक नींद आई थी, और 3:30 उठ गया था. 3:30 बजे उठ गए थे, वेरी नाइस. आप कितने बजे उठे थे? 4 बजे. 4 बजे, माय गॉड, इतने छोटे में अगर मैं 4 बजे उठी होती ना, तो जिंदगी में मेरे मम्मी पापा से ज्यादा खुश नहीं होता कोई. ऑल राइट, आप कितने बजे उठे? 4:30. 4:30, माय गॉड. वैसे आज मैं भी उठ गई थी, बाय द वे यू गाइस, मैं भी आज उठ गई थी जल्दी, बट बच्चे हैं, मैं आपकी एज में नहीं उठती थी टू बी वेरी फ्रैंक, बट वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. ये जो एनर्जी मिलती है ना आप लोगों से, एक अलग लेवल की एनर्जी मिलती है. थैंक यू, थैंक यू. सून वील बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ द विनर. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ऑल राइट, सो I need you three to please come on stage. आ जाइए. All right. So welcome you lovely ladies. सुबह से मैं देख रही हूँ एक अलग ही एनर्जी आप लोगों में. फोटोज, मुझे ऐसा लगता है फोटोज क्लिक करना इज वेरी नेसेसरी इन लाइफ. आई डोंट नो क्यों. The thing is, आज it is 29th of January. If we are not clicking our photos, making videos, तो फिर हम कैसे उस चीज को recall करेंगे? तो this is the only thing, है ना, जिसे हम उस दिन में वापस जा सकते हैं, उस memories को save कर सकते हैं. तो very good, inspired. Okay, क्या नाम है आपका? रिचा श्रीवास्तव. कुछ अलग different experience बताइए अपना आज के event को लेके. मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताती हूँ कि यस्टरडे आई हैड 101 फीवर, और मुझे बहुत बैक पेन भी था और बहुत दिक्कत थी, बट डेंटो ऑल्सो इन द मॉर्निंग आई ट्राइड कि नहीं मुझे कोशिश करना, बिकॉज मेरे कोलीग्स थे, सब फ्रेंड्स थे साथ में, तो आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट द राइड एंड दैट्स आई डिड. प्रतिमा मैम वॉज देयर, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे मॉनिटरिंग करा एंड आई फिनिश द राइड ओवर हियर. दिस वॉज द फर्स्ट कॉम्पिटिशन वी वेंट थ्रू. एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. वो आपकी बात से लग गया, क्योंकि ये जो 101 फीवर के बावजूद भी जो सुबह उठ के आ जाए वो फिटनेस ट्रेनर, गॉड, वेरी नाइस. एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, वेरी नाइस. यस, क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्रद्धा. हेलो, हाय मैम. सो आपसे पूछना चाहूंगी, क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ इस इवेंट को लेके?
लाइक वेन एवर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनीथिंग है ना, साइकिलिंग इवेंट है या कुछ है, तो क्या एक्सपीरियंस था प्लीज बताइए. पहले तो हम आए थे बस पार्टिसिपेट करने, बट चलाते चलाते लगा कि अब कंप्लीट करना है, और थर्ड आए भी क्या कहते हैं, तो काफी अच्छा लगा. और लाने का श्रेय जाता है ऋचा को और चालनी क्योंकि मैं नहीं, मतलब कि थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा. हम लोग चला के भी आए, 20 किलोमीटर चला के आए हैं, उसके अलावा 13.5 किलोमीटर अभी चलाया, अभी फिर 20 किलोमीटर जाना है, तो ये चीज टफ था मेरे लिए. आज फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट राइड किया ये जो तो. थैंक यू. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ वेरी फर्स्ट राइड टुडे. फर्स्ट राइड था एंड यू जस्ट यू नो आप वहाँ केशव नगर से चला के आ गए हो, फिर यहाँ पार्टिसिपेट किया है, और एनर्जी माय गॉड आप तीनों की, मतलब मैं स्टेज पे हूं ना मुझे दिख रही है, मैं वहां बैठी थी आप इंटर करो तो मुझे दिख रही थी एनर्जी आप लोगों की. माय गॉड यू कैरिंग द सेम एनर्जी. सुबह से मैं आई हूँ 6 बजे से, आई एम वॉचिंग यू गाइस, और सेम एनर्जी है कॉन्स्टेंटली. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में भी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाते हो. जहां थोड़ी एनर्जी लो हो गई, वर्क लोड कम हो जाता है, मतलब चीजें कम हो जाती है. वेरी नाइस पहली राइड और इतना सुपर, वेरी नाइस सुपर. एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. ऑल राइट मूविंग फॉर दैट, आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, दोस्तों का साथ. ये इतना अच्छा क्लाउड था यहाँ पर, और सारे लोग इतने जोश में थे, तो लगा कि कंप्लीट करना ही है आज, चाहे कुछ भी हो जाए, मजा आ गया. उसने बताया बहुत फर्क था. अच्छा आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, मैंने मतलब आई हैवंट पार्टिसिपेटेड बिकॉज आई ऑलवेज इन टू होस्टिंग, तो मैं मंच पे मैराथन में भी मंच पे रह जाती हूँ, यहाँ भी मंच पे ही रह गई तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती. वेन यू स्टार्ट विथ फुल ऑन एनर्जी है ना, आपको पता होता है कि 13.5 किलोमीटर आज रैंडम आज का ले लेते हैं कंप्लीट करना है. हाउ इट फील्स कि इन बिटवीन आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब चलते हैं वापस, तो क्या ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं? ओके यू गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी अटेंशन एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. आई वांट यू ऑल टू लिसन टू दिस. ओके सो मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा है छोटा सा, कि व्हेन वी स्टार्ट विथ फुल एनर्जी, ऑल राइट. आज 13.5 किलोमीटर की रेस है, 5 की है, 27 की है, 54 की है, वी स्टार्ट विथ फुल एनर्जी. मैं बस इतने छोटे सवाल है, कोई भी आंसर दे सकता है, आप तीनों से भी है, कि बीच में आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, लेट्स गो बैक, व्हाट इज द वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू कि नहीं इफ वी हैव स्टार्टेड तो वी हैव टू कंप्लीट एंड बी वेरी जेन्यून. कि आपने कभी कोई चीज देखी थी या किसी ने कोई बात बोली थी या ऐसी कोई चीज है जो मोटिवेट करती कि नहीं वी हैव टू कंप्लीट एनी हाउ. ऑलराइट व्हाट्स योर मोटिवेशन फॉर दैट? माय विल पावर. ओके योर विल पावर. एनीथिंग दैट समबडी हैज सेड यू हैव वॉच समथिंग मैम, क्या है, क्या मोटिवेट करता है आपको कि यू हैव टू कंप्लीट? यही कि बस चल दिया तो फिर फिनिश भी करना है, स्टार्ट किया है तो एंड तो करना ही है. स्टार्ट किया तो एंड करना ही है. एंड व्हाट्स योर मोटिवेशन? मेरा मोटिवेशन ये है कि भैया अपने दिल को भी जवाब देना है कि जो चीज शुरू किया उसे फिनिश तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. हाँ जी प्लीज कम. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अभिषेक. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. मैं पहले कोर टीम में था, बट लास्ट टाइम सुजाता मैम ने और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को रन करना है, मेरे को साइकिलिंग करनी ही करनी है, क्योंकि एज अ क्रॉसफिटर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं प्रूव करूँ अपने आप को कि साइकिलिंग भी मैं कर सकता हूँ, रनिंग भी मैं भी कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ. बेसिकली आई एम अ क्रॉसफिट इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर. लास्ट इवनिंग में भी मेरा ये राइड था, हम लोगों का इन्वायरमेंट के ऊपर था और रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस के ऊपर था. उसको फिनिश करके कल मैं 6:30 बजे इवनिंग में आया, फिर सारा कुछ मैनेज किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं करेंगे छोड़ो, फिर मैंने कहा रेशन किया है तो करना ही है. तो अभी मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग में राइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आई थिंक यार चलो ठीक है, नॉर्मल लोग ही कर रहे हैं तो चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, फिनिश हो जाएगा ही. लेकिन मैंने अपना 100% दिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि मैंने अपना 100% दिया. जीतू ना जीतू उसका कोई मुझे गम नहीं है, बट आई रियली एंजॉय द राइड, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा अरेंजमेंट था. एंड द क्वेश्चन वॉज यस, वॉट मोटिवेट्स अस?
मेरे लिए फिटनेस जो रहा है मेरे लिए प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि मैंने फिटनेस अपनी जो हेल्थ है उसको बहुत इंप्रूव करते देखा है और इवन लोगों की भी लाइफ चेंज करते हुए देखा है मैंने। बींग अ फिटनेस एंथुसियास्ट और बींग अ मोटिवेटर, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा आई थिंक मेरे लिए मेरे सामने जो यूथ है वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लाइफ चेंज की है 3 से 5 लोगों की, 10 लोगों की, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मेरे सामने चंदन खड़े हुए हैं, ये ब्लॉगर हैं, अंशिका खड़ी है, तो इन लोगों को भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ कि नहीं यार फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है। जैसे आप लोग भी हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सभी एज कैटेगरी के लोग यहाँ अवेलेबल हैं और अपना 100% दिया। यस यस, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा सोशल वर्क भी चलता रहता, तो मैं जब सोशल वर्क करता हूँ तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो मेरा एक इनर पीस है, वो मेरा एक इनर हैप्पीनेस होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते तो मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन होता है। मैंने अगर एक ही लोग की हेल्प कर दी, दैट इज माई सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये मानता हूँ। जो अभी इवनिंग में इवेंट था उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि वो एक NGO का था भाई, छोटे लेवल पे था, तो वहाँ लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। वो मेरा एक नेगेटिव मोटिवेशन था, वो मेरा एक नेगेटिव मोटिवेशन इसलिए था क्योंकि लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। वहाँ NGO के बहुत सारे बच्चे आए थे, स्लम से बच्चे आए थे, उनको ये तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कि दे कैन अप्रिशिएट और दे कैन पार्टिसिपेट इन सच अ वेरी गुड इवेंट्स। और बहुत सारे किड्स को देखा, उनसे मोटिवेशन मिलता है मेरे को। और मैं चाहूँगा सभी लोग अपने फिटनेस पे ध्यान रखें और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, जिससे कि हम लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जी सकें और हैप्पी लाइफ जी सकें। वेल सेड, एक जोरदार तालियां हो जाए। एज यू कैन सी मंच पे इस समय जो लोग खड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने बातें की हैं, ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है। माई गॉड, मुझे आई बिल्कुल मैं करूंगी, मैं स्टेज पे ही रह जाती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो फॉर द मैराथन, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो फॉर द साइकिलिंग, बट मैं नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट। एक जोरदार तालियां हो जाए इन सभी लोग के लिए। कम ऑन एवरीवन विद द हूटिंग, हूटिंग आवाज भी आनी चाहिए। कम ऑन, सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू, वेल सेट, ऑल राइट। So,